हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों के अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं मॉप अप राउंड से रिलेटेड। पहला सवाल जो ज्यादातर बच्चों का है कि क्या मॉप अप राउंड में बच्चों का जिनका सिलेक्शन होगा क्या उनको हॉस्टल मिलेगा। याद रखिए, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक्चुअली में उनका जो सिलेक्शन हो रहा है वो वेटिंग के थ्रू हो रहा है। मैं समझाता हूँ किस तरह से होगा। सेल्फ फाइनेंस मैंने आप लोगों को बोला था कि आज लिस्ट आ जाएगी, लेकिन क्योंकि मॉप अप आ गया है बीच में, तो सेल्फ फाइनेंस का अभी आप लोगों को करना पड़ेगा इंतजार। मॉप अप जब कंप्लीट हो जाएगा तब सेल्फ फाइनेंस का आने के चांसेस हैं। तो अब जरा समझ लीजिए, एक चीज जरा पहले समझ लीजिए कि हम लोग यहां जो लोग हैं एमयू में जो लोग होते हैं, हम लोग इनसे जाकर पूछते हैं चीजें, इनसे पूछा, जबकि इनके पास ऊपर से ऑर्डर आते हैं, ऊपर से ऑर्डर आते हैं ये, या इनके पास ऊपर से ऑर्डर आते हैं, ये ऑर्डर बनाएंगे, इनको बताएंगे, फिर ये इनको बताते हैं। तो इनको नहीं पता कुछ भी। मुझे जो चीजें पता चलती हैं, मैं यहां खड़ा हूं, मुझे कुछ लोग ये बता देते हैं, कुछ ये नहीं बता पाते, क्योंकि ये बड़े लोग हैं ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी कुछ चीजें गलत हो सकती हैं। मीटिंग जब होती है तो उसमें क्या चीज निकल के आती है बहुत बार मुझे पता चल जाता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो मैंने 6 तारीख बोला था, तो वो 6 तारीख में पहले मीटिंग में ही डिसाइड हुआ था कि सेल्फ फाइनेंस उसमें होगा, लेकिन नहीं हुआ उसमें। तो ऐसा होगा, आइंदा भी ऐसा हो सकता है कि जो मैंने बोला वो 100% ना हो पाए सच। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि मेरे हाथ में नहीं है, ये ऊपर से जो चीज निकल के आती है वो होगा। अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि मॉप अप राउंड पहले होना चाहिए सेल्फ फाइनेंस से, तो सेल्फ फाइनेंस से पहले हो रहा है मॉप अप राउंड। अब जरा समझिए कि मॉप अप राउंड है क्या। क्या हुआ कि एक क्लास में हमारे पास, एक क्लास में हमारे पास 15 सीट्स हैं, ये 15 सीट्स हो गई। अब हमने जब 15 सीट्स के अकॉर्डिंग एडमिशन लेना शुरू किया तो हमने देखा कि ये 2 सीट्स यहां वैकेंट रह गई। ये वो बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हो चुका था कंफर्म लिस्ट में, लेकिन किसी भी वजह से उन्होंने एडमिशन नहीं कर पाए, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कर पाए। तो ये 2 जगह बची और यहां वेटिंग वाले आ गए 2 हमारे बच्चे। तो वेटिंग वाले यहां 2 बच्चे आ गए। जब ये कंप्लीट हो गया तो यहां से 2 बच्चों ने अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया। ये 3 बच्चों ने अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया। इन लोगों को एमयू पसंद नहीं आया, इन लोगों को घर पे पढ़ना था, अपने शहर में पढ़ना था, ये चले गए। अब जो ये 3 सीट्स बची हैं हमारे पास, ये जो 3 सीट्स बची हैं, इसको जो भरने का प्रोसेस होगा, इसी को हम बोलते हैं मॉप अप राउंड। तो अब जो वेटिंग वाले 2 बच्चे थे, इसके बाद जो तीसरा यहां लगा हुआ था लाइन में, पहले ये इसको मिलेगा, उसके बाद वेटिंग वालों को पहले मिलेगा। ये बात याद रखिएगा, ऐसे ही उठाकर नहीं मॉप अप में डाला जाएगा, जो वेटिंग वाले बच्चे हैं उनका किया जाएगा। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा अभी आगे चल के सेल्फ फाइनेंस वालों को होने वाला है, क्योंकि वेटिंग वाले बच्चे कुछ कम हो जाएंगे। तो अब जो बच्चे 40 या 42 नंबर से ज्यादा मार्क्स लेकर आ रहे हैं, हो सकता है कि सेल्फ फाइनेंस में उनको भी जगह मिल जाए, हो सकता है, 100% श्योरिटी नहीं है। तो सेल्फ फाइनेंस से रिलेटेड चीज अब पहले जरा समझ लीजिए कि सीट्स इसमें कितनी होंगी। तो अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं तो मुझे जहां तक लगता है 5 से 10 सीट्स बॉयज के लिए हो सकती हैं, और गर्ल्स के लिए ये 5 हो सकती हैं, मैक्सिमम हो सकती हैं 5, उससे ज्यादा नहीं होने के चांसेस हैं। इसी तरह से अगर हम कॉमर्स में की बात करें तो कॉमर्स में ये 10 से 15 हो सकती हैं, इसमें आर्ट्स भी आ जाएगा, हो सकता है आर्ट्स में और प्लस 5 कर दें हम, ठीक है। गर्ल्स में ये मैक्सिमम 10 हो सकती हैं। डिप्लोमा में लेकिन काफी सीट्स वैकेंट होने वाली हैं, क्योंकि बहुत बच्चों ने एडमिशन कैंसिल करवाया है। तो डिप्लोमा में जो बॉयज हैं वो तकरीबन 40 समझ सकते हैं कि 40 बच्चों का अभी और नाम आ सकता है, 30 से 40 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। यहां ये 15 से 20 है मुझे जहां तक लगता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि इतनी सीट्स मॉप अप राउंड में अभी अवेलेबल होने वाली हैं। ये सिर्फ 11 के लिए बता रहा हूं मैं, 5 से 10 सीट्स BA BSc में भी होने वाली हैं। BSc में कम से कम 50 सीट्स हो सकती हैं BSc में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस थी जो के बच्चे नहीं लेना चाह रहे थे। कुछ बच्चों का नीट में सिलेक्शन हो गया, इसी तरह से अलग अलग कोर्सेज में जामिया में हो गया, तो वो लोग एमयू को छोड़ के चले गए हैं, एडमिशन उन्होंने कैंसिल करवा लिया है। अब आता है हमारे पास के सेल्फ फाइनेंस कब आएगा। अब सेल्फ फाइनेंस कम से कम 15 अगस्त तक टल चुका है,
15 अगस्त के बाद सेल्फ फाइनेंस आने के चांसेस हैं। सेल्फ फाइनेंस का जो रिजल्ट है वो 15 अगस्त के बाद आने के चांसेस हैं। मैंने आप लोगों को शायद ये भी बोला होगा कि अगर वो 6 तारीख में या 8 तारीख में नहीं आता तो वो एक हफ्ते के लिए टलेगा। वो यही है, वो एक हफ्ता अब ये टल गया है, तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा सेल्फ फाइनेंस के लिए। तो हॉस्टल का मैं फिर से बता दूं, हॉस्टल सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए नहीं होता, मॉपअप राउंड वालों के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि हॉस्टल की इस बार शॉर्टेज हो गई है, बच्चे ज्यादा हैं, हॉस्टल में जो रूम्स हैं वो कम हैं। अभी लिस्ट आएगी, शायद आज या कल में लिस्ट आएगी, उसमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा हॉस्टल में, क्योंकि हॉस्टल तक में वेटिंग लिस्ट चल रही है इस वक्त। ठीक है, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछना हो, जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप लोग कमेंट में पूछेगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर दूं आप लोगों को, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के थ्रू उसका आंसर बताऊं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय।